मॉर्निंग स्लाइड्स आज आपका सब्जेक्ट है पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेडागॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका जो सहायक सामग्री चल रही थी तो मैंने बेसिकली आपको जो सहायक सामग्री की और कंटेंट कंप्लीट कर दिया था कि सहायक सामग्री के माध्यम से बच्चों में क्या होता है। बेसिकली उनका जो भी कंटेंट होता है वो उसको प्रभावशाली बनाता है, ठीक है। इसी के साथ उसके बाद मैंने आपको सहायक सामग्री का वर्गीकरण बताया था, जिसके अंदर मैंने आपको एक इकोनॉमिक के अंदर देखा जाए तो ये बताया था कि ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से होते हैं, बेसिकली श्रव्य साधक कौन कौन से होते हैं। फिर मैंने आपको श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री लिया था, जिसके अंदर मैंने ये बताया था आपको कि इसको तीन भागों में बांटा गया है, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। अब जो मैं आज आपका जो टॉपिक ले रही हूँ वो ये है श्रव्य सहायक सामग्री। तो बेसिकली कौन सी सामग्री होती है, तो श्रव्य सामग्री का तात्पर्य है उन साधनों से है जिनमें केवल शब्द इंद्रियों का प्रयोग आदेश से और विभिन्न प्रकार के आदेश से संबंधित कार्यक्रम। तो हम ये देखते हैं कि वर्तमान में शिक्षा के जगत में दिन प्रतिदिन रेडियो का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के शिक्षा से एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, जो जिसमें छात्र और जो शिक्षक होता है दोनों को ही एक उनमें ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। तो बेसिकली रेडियो का शिक्षण में क्या क्या उपयोग है, ये इसमें हम अर्थशास्त्र शिक्षण में देखें तो इसके माध्यम से हम क्या क्या मतलब हमें सुनने को मिलता है रेडियो के माध्यम से, तो इसमें आएगा रेडियो का उपयोग, क्या क्या उपयोग देखने को मिलता है रेडियो का। तो रेडियो का उपयोग इससे पहला आएगा संगीत
शैक्षिक वार्ता है। शैक्षिक वार्ता है मनोरंजन एवं समाचार आदि। ठीक है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी चीज को सुनते थे, समाचार से रिलेटेड समाचार होते हैं क्या, संगीत होता है, जो विज्ञान साइंटिफिक एजुकेशन जो वार्ताएं होती है, तो इसमें क्या होता है कि आकाशवाणी द्वारा क्या होता है, बच्चों के संवेग प्रसारित होते हैं, हम बच्चों के संवेग को प्रसारित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रेडियो का उपयोग, इसमें किया जाता है हवाई जहाज एवं इसके नियंत्रण कक्ष के मध्य बातचीत करने में किया जाता है। के मध्य बातचीत करने में क्या जाता है, जैसे कि आपको ये भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माना जा सकता है कि इसके माध्यम से हम नहीं देख सकते, कुछ हमें नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हमें सभी इंफॉर्मेशन पता होती है। फिर आता है इसमें रेडियो से और क्या क्या कर सकते हैं, हम जल के जहाज में जल के जहाज से नियंत्रण कक्ष से बातचीत करने में किया जाता है। फिर हम देखने को मिलता है हमें एक ही समय में बहुत बड़े समुदाय को शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे आप आर्मी नेवी वगैरह में देखते हो, जब कुछ ट्रेनिंग दी जाती है तो रेडियो के माध्यम से एक साउंड स्पीकर के माध्यम से इसमें बच्चे को क्या होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं वो इसके माध्यम से ही सुनते हैं, तो प्रदान की जाती है। फिर आता है नेक्स्ट रेडियो का एग्जाम कक्षा शिक्षण की कठिनाइयों को पूरा करते हैं, मतलब इस
उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे इकोनॉमिक स्पीकिंग अंदर बताए थे मैंने, कोई भाषण होता है या फिर चुनाव से रिलेटेड है, या फिर हम ये देखते हैं कोई टेक्निक है, या फिर कोई संसद का अधिवेशन जो वार्ता रहती है वो हम देखते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हम सारी बातें सुनते हैं। तो ये कार्यक्रम क्या करते हैं, शिक्षण में कठिनाइयों को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और फिर एक लास्ट पॉइंट आता है कि छात्र रुचिपूर्वक नए पाठकों को रेडियो पर सुनते हैं। कोई भी जो प्रकरण होता है, कोई नए नए प्रकरण हमें जो नए कंटेंट देखने को मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, रेडियो के माध्यम से ही सुनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं पूरी तरीके के रेडियो जो है वो भाषा शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये सबसे अच्छा शब्द सहायक सामग्री मानी जाती है जिसके माध्यम से एक ही हम छाप पे भी कहीं पे भी हो, अगर हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध होती है, ये सामग्री उपलब्ध होती है, तो हम सभी प्रकार की नॉलेज डेवलप कर सकते हैं। ये होता है, ये तो था फर्स्ट नंबर का रेडियो। अब आते हैं ग्रामोफोन। अब सही आता है ग्रामोफोन। शिक्षा जगत में ग्रामोफोन को भी बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया है। इसके माध्यम से जो आशा शिक्षा के अंदर जैसे गरीबी देखने को मिलती है हमें, गरीबी होता है, उद्योग होता है, तो इन सब सारी बातों को हम दूर कर सकते हैं। सभी प्रकार की चीज़ें हम ग्रामोफोन के माध्यम से दूर की जा सकती है। तो ये माना जाता है ग्रामोफोन के द्वारा क्या होता है कि बच्चे उनसे रिलेटेड जो भी उनका जो कंटेंट होता है वो जानने की पूरी कोशिश करते हैं, और ये एक ही समय पर सभी समुदाय को एक ही जगह उपलब्ध करवाया जा सकता है सारा का सारा। तो ये भी एक श्रव्य सामग्री के रूप में अच्छा सा माना जा सकता है। जैसे आप लोग देखते हो ग्रामोफोन के अंदर, जैसे आर्मी वगैरह में भी आप देखते हो कि इसका यूज़ होता है कि एक फ़ोन यहाँ पे होता है एक जगह वहाँ पे, तो ग्रामोफोन में क्या करते हैं कि जो भी नॉलेज होती है एक जगह से दूसरी जगह पे भी क्या की जा सकती है, फॉरवर्ड की जा सकती है सारी की सारी नॉलेज। फिर आता है नेक्स्ट, आता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर, ठीक है, टेप रिकॉर्डर जो होता है वो बेसिकली इसके तीन भाग होते हैं। टेप रिकॉर्डर के बेसिकली तीन भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ओवर साउंड इनपुट, सेकेंड होता है इसके अंदर एम्पलीफायर, और थर्ड होता है रिप्रोड्यूसर। थर्ड क्या होता है, रिप्रोड्यूसर, ठीक है। बेसिकली इसमें दो क्रियाएं होती है टेप रिकॉर्डर में, एक तो हम क्या कर सकते हैं आवाज़ को, मतलब बेसिकली क्या आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और पुनः हम उसकी आवाज़ को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि ये जो यंत्र होता है वो हमें एक सामान्य कौशल के रूप में प्रयुक्त किया होता है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली तीन बटन हमें देखने को मिलते हैं, एक तो होता है प्ले, हम प्ले कर सकते हैं, स्टॉप, प्ले, स्टॉप और रिकॉर्ड, हमें इसके अंदर तीन ही बटन देखने को मिलते हैं। प्ले, अगर हमें अपनी आवाज़ मतलब कन्वर्ट कर मतलब अपनी आवाज़ से रिकॉर्ड करनी है तो हम प्ले सबसे पहले प्ले करके फिर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड होगी, और उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे तो अपनी आवाज़ क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। इनकेस हमें अपनी आवाज़ वापस से सुननी है तो हम क्या करेंगे, प्ले पे क्लिक करेंगे। तो इसके अंदर तीन ही चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। अब क्या होता है, ये शिक्षा की जगत में मतलब शैक्षिक अगर वे में देखा जाए हमारे स्क्रीन में, तो ये क्या क्या कार्य करता है, तो ये करता है पहला नंबर इसका उपयोग क्या है टेप रिकॉर्डर का, फर्स्ट नंबर आएगा इसके अंदर टेप रिकॉर्डर संगीत भाषण, संगीत भाषा, नाटक आदि के प्रशिक्षण में, आदि के प्रशिक्षण में
कि जब तक आप सेल्फ मतलब आप खुद अपने बारे में नहीं पता कर लगा पाते, जैसे आपका ये होता है, जैसे आपको कम्युनिकेशन सीखना होता है तो आपको ये गाइड किया जाता है कि आप मिरर के सामने बोलो जिससे आपकी आपको कमी पता चलेगी, या कि खुद का सेल्फ वीडियो बनाओ जिसके बारे में आपको आपके पर्सनैलिटी एटीट्यूड के बारे में पता चलेगा। तो वही चीज़ इसके अंदर है कि हम कोई भाषा दे रहे हैं या कोई नाटक प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई संगीत की मतलब शिक्षा अगर हमें लेनी होती है तो हम सबसे पहले अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम प्ले करके अपनी आवाज़ को ही वापस सुनते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हमने कितना ज़्यादा उस चीज़ को गेन किया है या कहाँ पे हमारी उस चीज़ को कमी आई है। क्योंकि इसके अंदर वही चीज़ होती है कि सबसे पहले अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके और वापस से क्या किया जाता है, आवाज़ को लिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बोलने की गति, प्रभाव और सभी प्रकार की त्रुटियों का हमें पता लग जाता है कि हमारे कितना सही है और कितना गलत है। फिर इसके अंदर आता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण और सामान्य शिक्षण के पुनर्बलन और मूल्यांकन और पुनर्बलन में टेप रिकॉर्डर मूल्यांकन में सहायक, ठीक है, कोई भी मूल्यांकन और पुनर्बलन में सहायक होता है। इसी के साथ फिल्म स्लाइडों के साथ एक एसिड के रूप में जैसे आप देखते थे स्लाइडों के साथ कमेंट्री तैयार करने में आदि के प्रकरणों पर वार्ताएं टेप की जा सकती है। ठीक है, मतलब टेप रिकॉर्डर जैसे आप कैसेट वगैरह देखते हो, आप रिकॉर्ड करते हो कोई भी शिक्षण से रिलेटेड सब कुछ करते हो, इसके अंदर ज़्यादातर ज्ञान में इसके अंदर मेन ये होता है कि बच्चे सब अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है। तो ये सारी की सारी आपकी तीन जगह श्रव्य सहायक सामग्री थे जो शिक्षा जगत में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब आपका आज का रहेगा ये है के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।